हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में शॉर्ट सर्किट होने के पीछे पॉसिबल रीजंस क्या क्या होते हैं ये पूछे जाएं, तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स उन्हें बताने चाहिए। देखिए, सवाल सुनने में तो बहुत नॉर्मल सा लग सकता है, पर जब इंटरव्यू में एकदम से आपसे पूछा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, तो हो सकता है एक दो पॉइंट से ज़्यादा आपको उस वक्त चीज़ें याद ही ना आए। ऐसे में ज़रूरी है कि इस तरीके के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है ये इलेक्ट्रिकल में सबसे सीवियर फॉल्ट में से एक माना जाता है, तो इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि कम से कम 3, 4, 5 पॉइंट्स तो ऐसे हो जो हर समय आपके ध्यान में रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होने का सबसे पहला कारण होता है लो कैटेगरी के स्विच गियर्स का यूज़ करना। देखिए, आजकल हर रेट के स्विच गियर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर लेने जाएं तो आपको कॉस्टली कॉन्ट्रैक्टर भी मिलेगा और उसी रेटिंग का वैसा ही काम करने वाला एक सस्ता सा कॉन्ट्रैक्टर भी मिलेगा। ऐसे ही आप रिले को भी ले सकते हैं, ऐसे ही आप केबल्स को भी ले सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्विच गियर्स होते हैं, इन सभी की अगर लो कैटेगरी के इक्विपमेंट्स आपने अपने सर्किट में यूज़ किए हैं, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उस इक्विपमेंट के फेल्योर होने के वजह से भी आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होगा। जो भी सिस्टम आपने बना रखा है उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि अगर आपने लो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तो हो सकता है सही टाइम आने पर आपका सर्किट ट्रिप ही ना करे, हो सकता है सही टाइम आने पर वो जो कंपोनेंट का जो काम था वो उसे कर ही ना पाए, और वो भी एक रीज़न बनेगा आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने का। शॉर्ट सर्किट होने का दोस्तों दूसरा पॉसिबल रीज़न होता है अंडर कैटेगरी के केबल्स का यूज़ करना। देखिए, मैंने जो भी लोड कनेक्ट कर रखा है, या जैसे मान लीजिए आपकी एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट है 20 एम्पियर, तो इसका मतलब यह है कि जो केबल आप यूज़ करेंगे उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 20 एम्पियर का करंट कंटिन्यूसली सस्टेन कर सके। अगर आपने कॉस्ट बचाने के लिए सस्ती चीज़ ढूंढने के चक्कर में अगर अंडर रेटेड केबल का यूज़ कर लिया, तो उस केस में आपका जो केबल है ये इतना हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से केबल में ओवरहीटिंग होने लगेगी, केबल जलने के वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह या तो हमें पता नहीं होता कि किस रेटिंग का केबल यूज़ करना है, या तो फिर जब घर बन रहे होते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो आखिर में कॉस्ट बचाने के लिए हम लोग या तो लो कैटेगरी का केबल यूज़ कर लेते हैं या तो अंडर साइज्ड केबल यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप नोट करके रख सकते हैं। तीसरा पॉसिबल रीज़न दोस्तों होता है आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग का ना होना। देखिए, अर्थिंग का काम होता है किसी भी लीकेज करंट को, किसी भी फॉल्ट करंट को तुरंत ग्राउंड करना, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ताकि आपका इक्विपमेंट भी ख़राब होने से बचे। पर अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग है ही नहीं, तो जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस आपने लगा रखे हैं, अगर घर की बात करें तो घर में अगर आपने ELCB लगा रखी है या RCBO लगा रखा है, तो ये तब तक ट्रिप नहीं होगा जब तक आप इसको एक अच्छे अर्थिंग के साथ कनेक्ट नहीं कर देते। तो अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग नहीं है, तो भी एक ये बड़ा रीज़न होगा कि आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि कोई भी लीकेज करंट, कोई भी अगर फॉल्ट करंट आपके सर्किट से फ्लो होता है तो वो अर्थ हो ही नहीं पाएगा, जिसके वजह से जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं वो अपना काम इफेक्टिवली कर ही नहीं पाएंगे। चौथा पॉसिबल रीज़न होता है दोस्तों लैक ऑफ मेंटेनेंस। लैक ऑफ मेंटेनेंस से मेरा मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारी मोटर्स लगी है जिसका टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस करना होता है। अगर मान लीजिए आपकी मोटर पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूस चल रही है, जब भी वो बंद होती है तब आप उसका मेंटेनेंस करते ही नहीं, क्योंकि आपको तो लगता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, पर उस मोटर में जो केबल आकर कनेक्ट हुई है वो केबल में धीरे धीरे ओवरहीटिंग होनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि अभी 2-3 साल बीत चुके हैं और आपने एक बार भी उसका मेंटेनेंस नहीं किया है। तो ओवरहीट होते होते अब आपके मोटर का जो लग है ये ओवरहीट होने लगेगा, आपकी केबल हीट होने लगेगी, वो जलने लगेगी, और अगर आपने उसका समय रहते मेंटेनेंस नहीं किया तो आपके मोटर टर्मिनेशन में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वो केबल का इंसुलेशन फेल होने के वजह से केबल में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके वजह से आपको एक ब्रेकडाउन तो फेस करना ही पड़ेगा और एक शॉर्ट सर्किट का फेटल एक्सीडेंट भी आपको फेस करना पड़ेगा।
पांचवा पॉसिबल रीजन दोस्तों होता है कंडक्टर्स का ढीला होना। इसका मतलब यह है कि चाहे आप पैनल में केबल का टर्मिनेशन करें या फिर आप मोटर एंड में केबल का टर्मिनेशन करें, अगर वो टर्मिनेशन आप प्रॉपरली टाइट नहीं करते, अगर उस टर्मिनेशन की टाइटनेस आप समय समय पर चेक नहीं करते, तो लूज कनेक्शन होने के वजह से भी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रहती है कि दो कंडक्टर आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे और वहाँ पर फ्लैश ओवर होगा। तो इसीलिए अगर आप शॉर्ट सर्किट अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम आपके जो कंडक्टर्स है, जो टर्मिनेशंस है, उसकी टाइटनेस भी आपको चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉसिबल रीज़न थे जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और भी रीजंस होंगे, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के पीछे के रीजंस क्या क्या होते हैं अगर आपसे कोई पूछता है, तो ये 4 से 5 पॉइंट तो आपके माइंड में हमेशा तैयार होने चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।